हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आपने आज तक कभी ना कभी सांप सीढ़ी तो खेला होगा ना। मैं सांप सीढ़ी की बात क्यों कर रहा हूँ, आज आप वीडियो में जान जाएंगे। सांप सीढ़ी में आप खेलते खेलते आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे ही आप 99 पे पहुंचते हैं वहां पे एक सांप आपका इंतजार कर रहा होता है, और जैसे ही वहां पे पहुंचे उसने आपको इंगल्फ किया और आप सीधे वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। कितना दुख लगता है जब आप ये सिंपल सा गेम खेलते हैं, इमेजिन करिए। हालांकि भगवान न करे कभी ऐसा हो, बट एक बार कल्पना कीजिए कि हम जैसे यूट्यूबर या कोई भी एडुकेटर जो मेहनत कर रहा है, मेहनत करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हमने काफी सारे वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड किया, जैसे आप देख रहे हैं। कभी ऐसा अगर हो कि हमारे कंटेंट हम ही एक्सेस ना कर पाए, फिर क्या होगा? क्या हम उन कंटेंट को वापस बनाना शुरू करें? वो वैसे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई जिसके लिए सालों साल लगे उसको वापस से आप कैसे रिज्यूम करेंगे। तो फिर एक समझदार व्यक्ति, जो मोस्टली काफी लोग ऐसे समझदार व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने जितने भी डाटा है, जो वीडियोज हमने प्रिपेयर किया है, उनको सेव करके चलते हैं। अब भाई सेव करने के भी अलग अलग कंडीशन है। अगर आपकी वीडियोस एमबीज में है, छोटे छोटे फाइल्स हैं, सिंपल सा क्लिप बना रहे हो आप, एक मिनट का क्लिप, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आराम से अपने पेन ड्राइव पे या गूगल जो भी ड्राइव है या मेल पे अटैच करके रख सकते हो। लेकिन हम जैसे क्रिएटर का, जो कि एक एडुकेशन चैनल चलाते हैं जिसमें आधे घंटे या उससे ऊपर के भी वीडियो कंटेंट होते हैं, अगर आप उनको कंप्रेस ना करो तो एक फाइल लगभग लगभग 8 से 10 GB के आसपास बनता है। अब 8 से 10 GB को मैं गूगल ड्राइव में कैसे अपलोड कर पाऊंगा, जो मुझे 5 GB की जगह देता है? फिर कैसे करें? फिर आपके पास ऑप्शन बचता है दो, मेनली दो, ऐसे तो और भी हैं। पहला उसमें यह है कि आप गूगल ड्राइव का स्टोरेज परचेस करें, वो एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जहां से पेमेंट करना आपने बंद किया, वहां से स्टोरेज मिलना आपका बंद हो जाएगा। दूसरा तरीका है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टेबल हार्ड डिस्क, या फिर आज के डेट में अगर बात करें तो SSD का यूज किया जाए। SSD वैसे तो होते बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टलियर पड़ता है। जितने आप 1 TB का SSD खरीदेंगे, उतने में जाने कितने बड़े का आप SSD खरीद लेंगे। लेकिन सजेशन तो हमेशा यही है कि आप SSD ही खरीदें, काफी अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ेगी। आज की वीडियोस में जैसा मैंने आपसे बात किया था कि उन सभी गैजेट्स के बारे में बात करूंगा एक एक करके, जिनका यूज मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वीडियोस को बनाने या उनको प्रोसेस करने के लिए यूज करता हूं। आज के वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं WD यानी कि वेस्टर्न डिजिटल का एक मॉडल, जो एक हार्ड डिस्क का मॉडल है। इसका पूरा नाम है वेस्टर्न डिजिटल एलिमेंट। ये एक ऐसा पोर्टेबल हार्ड डिस्क है जो कि आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। वेस्टर्न डिजिटल का जो पोर्टेबल हार्ड डिस्क है, इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक है आपका एलिमेंट और दूसरा होता है आपका पासपोर्ट। लेकिन आज के वीडियो में हम इसी वेस्टर्न डिजिटल एलिमेंट पोर्टेबल HDD के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी 1 TB है। अब आप ये सोच रहे हो कि 1 TB से आपका क्या होगा, बिल्कुल सही है। मैं यहां पे इस पॉइंट को भी हाईलाइट करना चाहूंगा, उसके पीछे एक रीजन है। मैं इससे भी ऊपर के जीबी के जो स्टोरेज है, टीबी के स्टोरेज है, उनको यूज कर रहा हूं, 5 TB, 4 TB, 1 TB के अलग अलग। कारण क्या है, देखिए, अब आपका कंडीशन क्या है, मेरे कंडीशन से थोड़ा सा अलग हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि एक सब्जेक्ट को, जो भी फार्माकोलॉजी 1, 2, 3 है तो फार्माकोलॉजी, इनको एक ड्राइव पे, एक हार्ड डिस्क पे स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको ये WD का एलिमेंट पोर्टेबल HDD काम करेगा 1 TB तक का, 2 TB तक का, 1.5 TB तक का भी ले सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि जब कभी भी आप फार्माकोलॉजी के ही कंटेंट को एक्सेस करना चाहेंगे तो एक केबल लेके जाना पड़ेगा, और अगर आप किसी कंटेंट को किसी अपने कलीग्स को, टीम को देना चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक एडिटिंग या फिर पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए, तो आपको पूरा पूरा कंटेंट, बड़ा हार्ड डिस्क जिसमें आपने सभी सब्जेक्ट रखे हैं, वो पूरा देने की जरूरत नहीं है, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। और दूसरा एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये भी होता है कि जब आप बार बार प्लग इन करेंगे आपके हार्ड डिस्क को, तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है, बाद में लूज होने लगते हैं। तो वैसा ना करके आप एक ही सेगमेंट में यूज कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आप छोटे छोटे ड्राइव को एक साथ यूज करना चाहेंगे या फिर बड़े वाले को इकट्ठा एक ही में यूज करना चाहेंगे, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा सजेशन एज ए यूट्यूब क्रिएटर, एज ए एडुकेटर, यही है कि आप सब्जेक्ट वाइज हार्ड डिस्क परचेस करें। थोड़ा सा कॉस्टली होगा, लेकिन आगे आपको ये बेनिफिट करेगा। याद रखिएगा, अगर गलती से कुछ लॉस हुआ, भगवान न करे फिजिकल डैमेज हुआ, थेफ्ट वाला हुआ, टेक्निकल इश्यू आई, तो पूरा का पूरा मेहनत तो आपका चुटकी में बर्बाद नहीं हो जाएगा ना भाई। पैसे बचा सकते हो आप, लेकिन ये पैसे महंगे पड़ेंगे। इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन है कि उतने टीबी का हार्ड डिस्क लीजिए जो कि एक सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आपके लिए सफिशियंट हो।
तो फिर वो आप मल्टीपल सीडीज कॉपीज में जाके बना सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम दूसरे पार्ट में मूव करते हैं, जहां पे हम बात करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग के बारे में और ये देखेंगे कि इसमें हम फाइल को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मूव करते हैं अनबॉक्सिंग पे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना अनबॉक्सिंग। मेरे हाथ में है WD यानी कि वेस्टर्न डिजिटल एलिमेंट का पोर्टेबल SSD। इसके दो वेरिएंट आते हैं, वेस्टर्न डिजिटल का आपका पासपोर्ट आता है, लेकिन अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं वह है एलिमेंट मॉडल, तो हम लोग इसे बोलेंगे WD एलिमेंट पोर्टेबल SSD। इसकी कैपेसिटी अलग अलग है, फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 TB का। तो चलिए देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमको क्या क्या कंटेंट मिलने वाले हैं। ये बॉक्स मैं पहले से यूज़ कर रहा हूँ। इस बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा एक यूज़र मैनुअल कम वारंटी कार्ड, जिसमें इसके स्पेसिफिकेशन, इसकी स्पीड और इसके कैसे यूज़ करते हैं उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलेंगे। फिलहाल इसको मैं एक साइड में रखता हूं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तो हमारा जो हार्ड डिस्क है वो एक प्रोटेक्टिव केज में साथ में आएगा। इसमें हमारा मेन एलिमेंट है WD वेस्टर्न डिजिटल एलिमेंट का पोर्टेबल SSD, साथ में आपको मिल रहा है एक डाटा केबल, जिसकी सहायता से हम अपने इस WD एलिमेंट पोर्टेबल SSD को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं और डाटा को दोनों तरफ से ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक इनपुट केबल देख रहे हैं, जिसका केबल का एक हिस्सा इसमें फिट होगा और दूसरा हिस्सा आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जाएगा। तो जब आप इसे इस तरीके से इसके हब में पोर्ट में इन करेंगे, दूसरा हिस्सा आपने लैपटॉप पे लगाएंगे और इन दोनों के बीच जब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तो यहाँ पे जो छोटा सा पॉइंट आप देख रहे हैं इस पे आपको एक लाइट का इंडिकेटर ब्लिंक होने लगेगा, जो ये दिखा रहा है कि आपका हार्ड डिस्क, जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ WD एलिमेंट पोर्टेबल SSD, उसका कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया है। अब आप अपने फाइल को या तो लैपटॉप से हार्ड डिस्क में या वाइस वर्सा हार्ड डिस्क से लैपटॉप में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट है और चारों तरफ जो कॉर्नर है वो स्मूथ एजिंग है, जिससे आपको रखने में, कैरी करने में बहुत आसानी होगी। छोटा सा पोर्टेबल सा है लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1 TB है, जिसमें आपको कुछ स्टोरेज अपने यूज़ के लिए यूज़ कर लेगा और कुछ आपको यूज़ करने के स्पेसिफिकेशन देगा। चलिए अब हम अपने वेस्टर्न डिजिटल एलिमेंट पोर्टेबल SSD को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं और यह देखेंगे पहले से क्या मिलता है। जैसे ही आप अपने इस हार्ड ड्राइव को अपने कंप्यूटर से अटैच करेंगे तो यहाँ पे वो आपके कंप्यूटर में दिखाने लगेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर साइज़ कितना है, बचा हुआ डाटा कितना है। उसके दो तरीके हैं, सिंपली आप अपने माउस को इसके ऊपर लेके जाएंगे तो वो आपको जो डाटा का इन्फॉर्मेशन है वो बता देगा। जैसे अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री स्पेस हमारे पास 917 GB और जो टोटल साइज़ है इस डिस्क का वो 931 GB है। इसके दूसरे तरीके ये हैं कि आप इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे और वहाँ से भी डाटा को टैली कर सकते हैं, वहाँ भी आपको सेम जानकारी मिलेगी। कुछ जो स्पेस लेने की आवश्यकता पड़ती है वो प्रोसेसिंग के लिए। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी पे जा रहा हूँ तो देखिए यहाँ भी सेम डाटा दिखा रहा है जैसा कि हमने माउस को उसके ऊपर रख करके किया था। अब हम इसको जब ओपन करेंगे तो इसमें पहले से दो चीज़ें हमारे पास होंगी, पहला एक PDF फाइल होगा, दूसरा हमारा ड्राइवर होगा। PDF फाइल आपको मैकबुक से संबंधित कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रहा है और हमारे पास तो मैकबुक है नहीं, इसलिए हम इसको ओपन नहीं करते हैं। दूसरा जो फाइल है वो उसके ड्राइवर का है, जिसको यूज़ करने से पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, फिर भी डेमो के लिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और जो भी आपको प्रॉम्प्ट आएगा उस पर यस करते हुए आगे बढ़ना है। तो मैंने यहाँ पर ड्राइवर पर डबल क्लिक किया, अब मेरा ड्राइवर कनेक्टिंग मोड में चला गया है और यहाँ से आपको इंस्टॉल करने के लिए पूछ रहा है। मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद मुझसे कुछ डाटा का परमिशन मांग रहा है, चाहे आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं या फिर डू नॉट शेयर पे क्लिक कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैं डू नॉट शेयर पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ से फिर से पूछेगा कि आर यू श्योर, यहाँ पे आप यस कर दीजिए। ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर है, वो इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आप अपने जो हार्ड डिस्क है WD एलिमेंट पोर्टेबल SSD को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको डाटा स्पीड की बात कही थी तो आपको डेमो करके दिखाने वाला हूं। यहां पे मेरे ड्राइव में दो प्लेस हैं, राइट साइड में आप देख सकते हैं वो लिखा हुआ है Place 1 और जबकि लेफ्ट साइड में देखेंगे Place 2। दोनों में सेम ही फाइल है, जिसका फाइल साइज अप्रोक्सीमेटली 1 GB है, थोड़ा सा ज्यादा है बट कंसिडर करते हैं 1 GB के आसपास। किसी भी फाइल के ट्रांसफर के कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मेरा जो लैपटॉप है वो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन का है तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक जगह से Place 2 से फाइल को डिलीट करता हूँ। अब Place 1 से इस फाइल को मैं कॉपी करके वापस से Place 2 पे कॉपी करूँगा ताकि ये देख सकूँ कि 1 GB के लगभग के फाइल को ट्रांसफ़र होने में कितना ऑप्टिमम समय लगता है। नीचे मैंने टाइमर रखा हुआ है तो इस पर मैं कॉपी करके टाइमर को सीधा स्टार्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए लगभग 1 GB के आसपास का है, थोड़ा सा उससे ऊपर
ही है, तो इसको मैं 1 GB ही कंसिडर करता हूँ। नाउ जैसे ही मैं ट्रांसफर करने के लिए कॉपी पेस्ट करूंगा, मैं इस टाइमर को स्टार्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे मेन्यू पे जाकर के इसको कॉपी करूंगा, शॉर्टकट नहीं यूज करूंगा, ताकि आप यहाँ पे देख सके कि मैं एग्जैक्ट और यही फाइल को कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद इसी को प्लेस टू पे पेस्ट करने वाला हूँ। तो इसके ट्रांसफर होने में कितना समय लगता है? कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल सा है मेरे लैपटॉप का, पीछे में कई ऐप भी चल रहे हैं तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो होगा। इस पे मैं गया, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं प्लेस वन से कॉपी कर रहा हूँ, वो जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से मैंने फिर से कॉपी करा आपको दिखाने के लिए दोबारा, और प्लेस टू पे गया, यहाँ पे मैं इसको इसी मेन्यू के ऑप्शन को यूज़ करते हुए पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा, ये जो मेरा टाइमर है इसे मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि मैं ये दिखा सकूँ आपको कि लगभग 1 GB के फाइल के ट्रांसफ़र होने में अप्रॉक्सीमेट कितना समय लगता है। ये वीडियो नॉर्मल स्पीड में है, मैंने कोई भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, और चूंकि मेरा लैपटॉप बहुत सिंपल कॉन्फ़िगरेशन का है, आपका लैपटॉप अगर SSD वाला है या हायर कॉन्फ़िगरेशन का है तो इसकी स्पीड और भी फास्ट होगी, मेरे स्पीड थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। तो लगभग यहाँ पे मेरा जो फाइल है वो ट्रांसफ़र हो गया, और आप यहाँ पे समय देखिए 22.63 सेकेंड का समय लिया है। ये एक एवरेज है, आपकी स्पीड इससे ज़्यादा हो सकती है आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं प्रोसेस को वापस से रिपीट करने वाला हूँ, लेकिन फ्रॉम प्लेस वन से प्लेस टू नहीं, बल्कि प्लेस टू से प्लेस वन को, और ये देखेंगे कि इसका स्पीड कितना है। इसको मैं वापस से रीसेट करता हूँ। अब यहाँ से मैं प्लेस वन से इस फाइल को डिलीट कर दूंगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेम प्रोसेस को प्लेस टू से प्लेस वन में करूँगा। तो ये रहा मेरा प्लेस टू और ये रहा मेरा फाइल, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और प्लेस वन पर जाकर के इसे मैं फिर से पेस्ट करता हूँ। और जैसे ही पेस्ट किया, मैंने इस काउंटर को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे कि अब वही फाइल को प्लेस टू से प्लेस वन में आने के लिए लगभग कितना समय लगेगा, जो कि हमने पहले देखा था कि इतना समय आया हुआ था 22.63। यहाँ पे अब कितना समय लेगा, हालांकि प्रोसेस वही है, बट एक बार और कर देने से उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा फाइल ऑलमोस्ट लगभग ट्रांसफर हो गया, तो मैं अपने टाइमर को बंद करता हूँ। यहाँ पे देखिए समय आया 22.25 सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ भी 22 है, वहाँ भी 22 है। तो ये था आपके इस WD एलिमेंट पोर्टेबल SSD के डाटा ट्रांसफर की स्पीड। मैं यहाँ फिर से क्लियर करना चाहूँगा, ये आपके लैपटॉप के इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और बैकग्राउंड में कौन कौन से ऐप रनिंग हैं उनके ऊपर और USB का टाइप, उस सब के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा बहुत सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है, कोई हाई फाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होने के कारण से आपको डाटा की स्पीड इस तरह से दिख रही है, या आपके लैपटॉप में वेरिएबल होगी, आपके लैपटॉप में थोड़ी सी इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होने लगेगी। तो WD एलिमेंट के पोर्टेबल SSD को यूज़ करने का एडवांटेज ये है कि आप अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं और फ्यूचर में इसको आराम से यूज कर सकते हैं विदाउट एनी फियर कि आपका डाटा कहीं फिर से एक्सेसिबल रहे या फिर नहीं रहे। तो यह था हमारे आज के वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि WD एलिमेंट्स का पोर्टेबल SSD एक यूट्यूब क्रिएटर, एक एडुकेटर या कोई भी ऐसे व्यक्ति जिसका काम डाटा को प्रोसेस करना है, अपनी जानकारी को स्टोर करके रखना है, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आगे किसी और वीडियो में हम दूसरे गैजेट्स के बारे में बात करेंगे, जिसका यूज़ मैं अपने वीडियोज़ को बनाने, इनकी प्रोसेसिंग करने, स्टोर करने या किसी दूसरे फॉर्मेट में यूज़ करता हूँ। अगर आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करेंगे तो आपको WD एलिमेंट पोर्टेबल SSD के बाइंग लिंक मिल जाएंगे। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप जहां से चाहें वहां से परचेज कर सकते हैं, लेकिन आपके सहूलियत के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोडक्ट का लिंक दे दूंगा। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।